after getting admission in any university of germany the biggest problem student faces is obviously the problem of block account students ko uh, funds ki tension nahi hoti unke funds hote hain but unko sabse tension hoti hai ki kis service ko use because there are multiple services which you can use for uh, opening a block account and har uh, service ke apne pros and aur apne hi nuksaan hai. So I thought I should make a video regarding the best service which you can consider for opening your block account. Uh, make sure you watch this video till the end dekhe, and if you new to this channel pe, don't forget to subscribe.

Uh, for their study process in Germany, whereas their education pe free. Hoti hai. So, guys, uh, my answer to this question will be that uh, those students who are out of Europe and they intend to study in Germany, they all must have a block account. And the reason behind this is that the government of Germany hai, unko a justification that while your study tenure, you have enough financial means. टू मैनेज योअर लिविंग ओवर एंड आप वहां पर जाके गवर्नमेंट पे किसी किसान का बोझ नहीं बनेंगे तो ये आपको उनको देनी होती है एंड इसके बाद बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दिच इज ऑफ इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एट यूरोज ये अमाउंट आपको चाहिए होगी फॉर योर ब्लॉक अकाउंट एंड अभी इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे अगर आपको ब्लॉक अकाउंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये स्पेसिफिक वीडियो जो कि मैंने ब्लॉक अकाउंट के हवाले से बनाई थी इसको चेकआउट कर सकते हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नाउ गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज द बेस्ट सर्विस विच यू कैन यूज फॉर ओपनिंग योर ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी गाइस जो सर्विस मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज कोरेकल एंड आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग कोरेकल uh, की क्यों ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एंड वाई इज कुरेकल ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट आफ्टर अ प्रॉपर रिसर्च आई फाउंड आउट कि आउटल इज द बेस्ट सर्विस यू कैन यूज फॉर ओपनिंग योर ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी एंड इसके कुछ रीजनज हैं एंड ये रीजन आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि वाई आई एम रिकमेंडिंग कुरेकल टू यू गाइज गाइज नंबर वन रीजन इज दैट द दर प्रोसेस द दर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन

फोन रीजन बिहाइंडमेंडेशन एंड दैट इज के कुरेकल में यू गेट एवरी थिंग फॉर ओनली फिफ्टी नाइन यूरोज लाइक आप इनका प्राइम पैकेज अगर खरीदते हैं तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस आपके ब्लॉक अकाउंट के चार्जेस जस्ट ओनली फिफ्टी नाइन यूरो में मिल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको फोर्टी यूरो मिल जाते हैं एंड इसके अलावा इनकी कोई और एक्स्ट्रा मंथली चार्जेस नहीं है लाइक like, फिंटेवा आपसे लेता है फोर टू फाइव यूरो पर मंथ एक तरह से ए, आप समझ लें कि सर्विस चार्जेस आपकी ब्लॉक अकाउंट के वो आपसे मंथली चार्ज कर रहा होता है एक मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा होता है की कोई हिडन मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है नो no मैटर आप इनका प्राइम पैकेज खरीदते हैं या नहीं खरीदते अगर आप इनके थ्रू सिर्फ ब्लॉक अकाउंट भी प्रोसेस करते हैं दैट्स ऑल इनके रूल्स आर वेरी मच क्लियर कि इनकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देनी पड़ेगी अगर आप इनका वन टाइम प्राइम पैकेज खरीदते हैं स्टिल अगेन उस केस में भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री पड़ जाती है आपको ट्रेवल इंश्योरेंस भी फ्री पड़ जाती है ऑलमोस्ट एंड ब्लॉक अकाउंट भी आपको

कि वट इफ माई वीजा गेट्स रिजेक्टेड वीजा की कोई लाइक ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा अगर इन केस मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा क्या कुरैकेल मुझे पैसे वापस करेगी या जिस भी सर्विस का मैं सर्विस के यूज कर रहा हूँ क्या वो मुझे पैसे वापस कर रहे होंगे तो गाइस जो मेरी रिसर्च है जो मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की एंड जितना मुझे नॉलेज है कुरैकेल की अगर मैं बात करूं अगर मैं आपको इस चैनल पे एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो यूजफुल होगी आपके लिए कुरैकेल के बारे में जितना मैं जानता हूं ये आपको आपकी प्रोसेसिंग फी भी रिफंड करेंगे एंड आपकी जो ओवरऑल जो आपने अमाउंट सबमिट कराई थी वो तो ऑब्वियसली आपको रिफंड होनी ही होनी है एंड ऐसी सर्विस और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा ट्रस्ट मी ऐसी सर्विस और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा तो ऑब्वियसली अगर हम इसको भी कंसीडर करते हैं एक सेफ्टी मेजरमेंट है कि आपकी अमाउंट सेफ पड़ी हुई है इन केस ऑफ फेलियर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है आपकी अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू यू एंड आप जिस काम से आपने रोकी हुई थी आप उसमें अगेन उसको यूज कर सकते हैं इसके लिए गाइज आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी कि जो आपका वीजा रिजेक्शन लेटर होगा आपको वो कुरेकल को सबमिट करवाना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल इससे ज्यादा उनको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन आपकी अमाउंट आपको रिफंड करने के सो गाइज इट वॉज अ क्विक वीडियो रिगार्डिंग कुरेकल एंड आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अभी अगर इस स्टेज पे आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपका एडमिशन वगैरह हो चुका है एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक अकाउंट तो गाइस अगर आप आ, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ इनका डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस लिंक से साइन अप करेंगे तो आपको दस यूरो का बोनस कैशबैक भी मिलेगा एंड आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी माई नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग द कंप्लीट प्रोसेस के आप कैसे ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्पेसिफिकली को रेकल के लिए चाहिए हो रहे होंगे मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका था बट मैंने दोबारा प्लान किया कि जब मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा तो उसके साथ मैं डॉक्यूमेंट्स को भी एक मरतबा ओवरव्यू कर लूंगा तो मेक श्योर sure करें कि अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सो यस गाइस आई गेस दिस वॉज ऑल फॉर टूडे टेक गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो टिल दैट अल्लाह हाफिज